जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी का। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन या कोविड वैक्सीनेशन जो है उसके होने के बाद भी जो लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है वो आखिर कोरोना या कोविड पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। सोशल मीडिया की जो यूनिवर्सिटी है उस पर तो कई लोग इस तरह के दावे भी कर रहे हैं कि यदि कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन नकली है, और यदि वैक्सीन असली है फिर भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट नकली है। लेकिन ना तो वैक्सीन नकली है और ना ही रिपोर्ट नकली है, तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर वैक्सीनेशन के बाद भी, कोरोना का टीका लगने के बाद भी लोग इस बीमारी के लिए पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। आज अपने इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि कोरोना या कोविड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो वैक्सीनेशन है उस वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो वैक्सीन करती क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि आखिर वैक्सीनेशन के बाद भी लोग पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी लापरवाही की वजह से आज दिनों दिन पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उस पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग तो इस विपत्ति के समय में भी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना पॉजिटिव या कोविड 19 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि कोरोना का वायरस या कहें कोविड 19 वायरस मौजूद है तो कोरोना की टेस्टिंग के दौरान वह व्यक्ति पॉजिटिव आता है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति कोरोना या कोविड 19 जो वायरस है उससे ग्रस्त हो चुका है, वह वायरस या पैथोजन उसके अंदर मौजूद है। अब बात आती है वैक्सीनेशन की, कि आखिर ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये हमारे शरीर में क्या करती है। भारत में वर्तमान में दो वैक्सीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, एक है भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन और दूसरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड वैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे से काम कर रही है और हाल ही में कोवैक्सीन के थर्ड फेज के जो ट्रायल हैं उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, जिसके अनुसार कोविड 19 की सीवियरिटी वाले पेशेंट्स में इसकी इफ़िकेसी को 100% माना गया है। दोनों ही वैक्सीन के दो डोज लगाए जाते हैं जिनमें लगभग 4 से लेकर 8 सप्ताह का गैप होता है। अब ये वैक्सीन क्या करती है, हमारे अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करती है, और ना केवल हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है बल्कि इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी की जो स्पीड होती है उसको भी बढ़ा देती है। और विशेष तौर पर हमारी इम्यूनिटी की वे सेल जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, उन्हें जागृत करने का, उनकी स्पीड बढ़ाने का काम करती है ये वैक्सीन। तो जब हमारे शरीर में वैक्सीन को डाला जाता है तो इसका परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर में तेजी से एंटीबॉडी के निर्माण करने वाली जो बी सेल्स होती हैं वो कार्य करना शुरू कर देती है। वैक्सीन के द्वारा प्रेरित होकर बनने वाली या काम करने वाली ये जो सेल्स होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है, और ये एंटीबॉडी उन वायरसेस का न्यूट्रलाइजेशन करती हैं जिन्हें हम कोरोना वायरस या कोविड 19 वायरस कहते हैं। वैक्सीनेशन के पूर्ण होने के बाद जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप हो जाती है और ये कहें कि बी सेल्स जो कि एंटीबॉडी बनाती है उनकी अच्छी खासी संख्या हमारे शरीर में हो जाती है, तब क्या होता है, अगली बार जब हमारे शरीर पर वायरस अटैक करता है तो ये सेल्स क्या करती हैं, उन वायरसेस पे अटैक करती हैं, उन्हें तेजी से न्यूट्रलाइज करने लग जाती हैं और उनके खिलाफ एक ऐसी घेराबंदी करने लग जाती हैं जिससे कि वो वायरस हमें बीमार नहीं कर पाता है और हमारी जान जो है वो बच जाती है। अब हम आ जाते हैं हमारे असल टॉपिक पर, जो कि है वैक्सीनेशन के बाद भी लोग पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये कि वैक्सीन किसी भी तरह से हमारे शरीर में वायरस की एंट्री को नहीं रोकती है, वो सिर्फ उस वायरस के प्रति हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करती है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को मजबूत बनाती है। लेकिन किसी भी तरीके से वायरसेस को हमारे शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती कोई भी वैक्सीन।
तो यदि किसी व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अगर लापरवाही करता है या फिर वो ऐसी जगह पर रहता है जहां पर ये कोरोना या कोविड वायरस जो है वो मौजूद है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर में जिसका की वैक्सीनेशन, जिसका टीकाकरण हो चुका है, उसके शरीर में ये वायरस एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अब जब ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में एंटर करते हैं जिसका टीकाकरण हो चुका है, तब क्या होगा, ये वायरस वहां पर जाकर अपनी संख्या बढ़ाएगा जैसा कि ये सभी की बॉडी में करता है। लेकिन उस टीकाकरण किए गए व्यक्ति में क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी चूंकि पहले से ही डेवलप है तो वो क्या करेगी, तेजी से इस वायरस के खिलाफ काम करेगी और इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने का या इसे खत्म करने का काम करेगी। लेकिन इस दौरान यदि उस व्यक्ति की टेस्टिंग की जाती है तो वो पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि वह वायरस तो उस व्यक्ति के अंदर मौजूद है। तो कोरोना पॉजिटिव इस बात से सुनिश्चित होता है कि उस व्यक्ति के अंदर वह वायरस है या नहीं। अब वायरस तो उसके अंदर एंटर हो गया, इसका मतलब व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है, लेकिन अब वैक्सीन अपना काम कर रही है। वैक्सीन की वजह से उस व्यक्ति के अंदर की इम्यूनिटी तेजी से काम करेगी और उस व्यक्ति के अंदर उस वायरस को तेजी से न्यूट्रलाइज करेगी, उस वायरस को तेजी से खत्म करने का काम करेगी। इसका परिणाम क्या निकलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर कोरोना बीमारी नहीं होगी, उस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस अपना प्रभाव उस स्तर पर नहीं दिखा पाएगा जिस स्तर पर उस व्यक्ति में दिखाता है जिसका टीकाकरण नहीं हुआ है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जिसका टीकाकरण हो चुका है, जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी उस व्यक्ति के शरीर में कोरोना की बीमारी को नहीं होने देगी और यही तो वैक्सीनेशन का उद्देश्य है। अर्थात इस बात से क्लियर होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है लेकिन उस व्यक्ति में उस बीमारी के होने की जो संभावना है वो बहुत कम होगी। उस व्यक्ति का जो शरीर है, उस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कोरोना वायरस के आक्रमण को आसानी से झेल लेगी और उसके खात्मे का जो कार्य है वो भी बड़े तेजी से कर लेगी बजाय उस व्यक्ति के जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम अफवाहों से हमें दूर रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम भारतीयों को वैक्सीनेशन करवाना है। भारत का मेडिकल सिस्टम है उसे बहुत कमजोर माना जाता है लेकिन प्रशंसा करनी होगी भारत के मेडिकल सिस्टम की कि कम संसाधनों के बावजूद भी हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो काम है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अभी तक की स्थिति में भारत में पिछले 95 दिनों में लगभग 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है जबकि इतने ही लोगों का वैक्सीनेशन करने में अमेरिका जैसे समृद्ध देश को लगभग 100 दिन जबकि चाइना को 109 दिन का समय लगा था। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से तमाम डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को जो है धन्यवाद प्रदान करूंगा और तमाम भारतीयों से यह गुजारिश करूंगा कि हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को डीमोरलाइज करने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उनकी कार्यशैली को प्रणाम कीजिए, जहां तक हो सके सकारात्मक माहौल बनाइए और यदि आप कोरोना पेशेंट रहे हैं और ठीक होकर बाहर आए हैं, इस जंग से जीत कर आए हैं, तो आपको अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहिए ताकि भारत का हेल्थ सिस्टम जो है वो मोटिवेट हो सके और भारत के सभी डॉक्टर्स और उनसे जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स जो है वो मोटिवेट हो सके और दुगने उत्साह के साथ काम कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।